कहते हैं अगर दिवाली पर आपने मरका मिठाई नहीं खाई तो फिर कुछ नहीं खाया। लक्ष्मी पूजन को या हो या फिर गोवर्धन पूजन, हर पूजा में मरका मिठाई को प्रसाद के रूप में भगवान को भोग लगाया जाता है। बिना मावे से बनी मरका मिठाई को खाड़ी देशों में भी बड़े चाव से खाया जाता है। बता दें, चावल से निर्मित मरके मिठाई का सबसे पहले निर्माण कपासन में किया गया था। सेठिया जैन परिवार की यह 5वीं पीढ़ी है जो इस मिठाई का निर्माण कर रही है। मरका एक ऐसी मिठाई है जो चावल के आटे से बनाया जाता है, जिसे राजस्थान के कई क्षेत्रों में व्यापारी खरीद कर ले जाते हैं और अपने इलाके में बेचते हैं। सेठिया जैन परिवार के पुरखे श्रीमाल सेठ ने इस मिठाई को सबसे पहले कपासन में बनाई थी। दीपावली से 1 महीने पहले से ही इस मिठाई को बनाने के लिए हलवाई लग जाते हैं और दीपावली के 15 दिन बाद तक जारी रहता है। वही मरके निर्माण में जलवायु का भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव रहता है। हल्के ठंड मौसम या फिर मिठाई अच्छी बनती है, जबकि गर्मी और बारिश में इसका स्वाद अच्छा नहीं बैठता। बता दें कि दुकानदार वनस्पति घी से बने मरके को 300 से 350 रुपए, शुद्ध देसी घी से बने मरके 200 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचते हैं। मिठाई बनाने की शुरुआत, जिसको हम यहाँ मरका बोलते हैं, वास्तव में या अपने यहाँ की भाषा में इसको खोखे बोलते हैं, ये चावल से बनती है और चावल और घी से मिलकर के ये मिठाई बनती है। और ये मिठाई एक पर्टिकुलर वातावरण में बनती है, उसके लिए उतना ही तापमान चाहिए जितना तापमान उसको आवश्यकता है। उसके ज़्यादा तापमान में और उससे कम तापमान में ये बन नहीं पाती है। पीछे लगातार मुझे लगता है कि 70 वर्षों से पूर्व से यहाँ ये मिठाई बन रही है, और इसको देखते देखते अब आजकल पूरे संपूर्ण मेवाड़ में ख़ास तौर से इस चावल के मरके बनने लगे हैं। ये इतने स्वादिष्ट हैं कि एक ही दिन में 100-100 क्विंटल तक यहाँ ये मरके बिक जाते हैं, और दूर दूर से लोग इसको लेने के लिए आते हैं। चाहे वो बॉम्बे रहता हो, बेंगलोर रहता हो, वो ये ज़रूर कहता है कि मुझे मरके ज़रूर भेज देना आप दीपावली पे, खास तौर से दीपावली के मौसम पे ये बनती है। मरके बनाने के लिए चावल को शाम को गलाकर उनको सुखाया जाता है, और सुबह उनको पीसा कर उसके बाद 1 किलो चावल के आटे में 1/2 किलो घी डालकर उसका पेस्ट बनाया जाता है। फिर उसको पानी डालकर मथा जाता है, और फिर गन्ने के ऊपर लेकर उसको अच्छा थेप कर उसके अंदर एक छेद करके उसको घी के अंदर तला जाता है। और जब उसकी अच्छी से सिकाई हो जाती है तो फिर हम उसको चाशनी में डालकर ग्राहकों को देते हैं। ये एक मिठाई हमारे बाप दादे से बना रहे हैं, 5 पीढ़ी होगी हमारी, और ये घी से बनती है, चावल के आटे से, और 1 महीने चलती है, नवरात्रि से दीपावली लोहड़ी दिवाली तक मिठाई चलती है।